सुनो चंदा आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी सुनो चंदा सुनो डरो उस वक्त से कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत बता दूं और वो सचमुच तुम्हारी जान ले काट दे। ओफो सत्यानाश हो खुदा का खौफ करो बिल्लू। हाँ हाँ मैं ही खौफ करूँ तुम कुछ मत कर। आज कितना मजा आ रहा है ना? है ना मुझे तो लग रहा है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया। ये जो होता है ना प्यार इश्क मोहब्बत इसमें भी पढ़ना चाहिए खासतौर पर लड़कियों को। अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है तो तरीके से अलग कर लो। ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। बीजान शहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ और तुमने वो जो जूसर ब्लेंडर छुपाए हैं वो भी तो बताओ ना आगा जी को। अच्छा बस ना ऐसा करो कि आज से अपनी सहरी और इफ्तारी अलग अलग कर लो लेकिन ये छिछोरपने की बातें ना करो वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना कि ये घर मेरा है। मर्दी जैसे मर्दी चलाऊं किसी के बाप की हिम्मत के मुझे रोके। सरकार थोड़ा नीचे तशरीफ लाएंगे अपनी शाही सवारी से। सर हुआ क्या है? है सर रमजान उल मुबारक का एहतराम मजरू करते हुए कहाँ जा रही है फौजे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 हाँ मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक है बाद में बात करती हूँ ना अभी नहीं कर सकती हूँ तो हाफिज। अच्छा तो जनाब का नाम हुमा है? नहीं जनाब मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है, है? जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को। और खैर से लगती क्या है तुम्हारी? और जनाब ऐसी कोई बात नहीं आप गलत समझ रहे हैं बीवी है मेरी निकाह हुआ है हमारा। ओए ओए पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं। तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर यूं मस्तियां करते हुए? सर कैसी बातें कर रहे हैं वाकई ऐसी कोई बात नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरी ये बीवी है आप बेशक कसम उठवा लें। तो फिर बीवी का अभी आईडी कार्ड दिखाओ अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। वो सर बात कुछ यूं है ना कि अभी आईडी कार्ड पे हमने नाम नहीं चेंज करवाया आप थोड़ा कोऑपरेट करें ना। तो चलो फिर आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। मिला जरा बहन का फोन मिला। ओ बीवी आप तो खामोश रहे आप इस वक्त अपनी सहेली हुमा के साथ हैं अब तो हुमा के अम्मी अब्बा आएंगे और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। सर आप थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं थोड़े पैसे ले लें सर ये हमने। ओ सर जी अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी दो मिनट रुक जा बेटा अभी चलते हैं मेहमान खाने सवारी का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। सर आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस बस करो जो बात करिए थाने चल के करिए चुप कर। और चुप करो बीबी खामोश एकदम। क्या आपको गोले ला रहे हो रसूल चटनी खाई तो मजा ही आ। ये तो हीरो लग रहा है भाई। अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट ताकि तेरे लवाइकिन को बुलाएं इधर हैं। देखिए जी आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। वाह जी वाह हम ज्यादती कर रहे हैं और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर सवाबदारी हासिल कर रहा है, है? ऐसा नहीं है जी जी अब बताओ ना तुम। ओए शर्म कर थोड़ी शर्म कर। औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो तुम मर्द हो यार मर्दों की तरह बात कर मर्दों से। अच्छा पूछे जी क्या पूछना है आपने। पहले तो ये बता इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तेरा जिसके साथ अटखेलियां करता फिर रहा था तू भी रमजान के महीने में घर से भागने भागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का। क्या हो गया आपको किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप। जी हाँ ठहरो मुझे बात करने दो। हाँ जी इनको बात करने दे ये जरूर तुम्हें बहका कर लाया होगा डेट मारने के लिए। और ये तो शक्ल से ही लोफर लगता है
एक एक टाइम में चार चार लड़कियों को फंसाने वाला गुलामदाद, देख तो सही जरा, मुझे तो लगता है ये पहले भी तीन चार बार हमारे मेहमान खाने में आ चुका है, देख जरा गौर से। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को ऐसी आप। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का है, अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिला फोन जी, ये मैं फोन देता हूँ, आप करें मेरे फोन से। ओ साहब जी, जवान लड़की का मामला है साहब जी, हो सकता है कि दाढ़ी शाड़ी लग जाए। हाँ ठीक है ठीक है, शाबाश। ए कुछ कुमा, और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। और साहब जी, इन दोनों के फोन भी ना जरा काबू में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो साहब जी कहीं मदद के लिए किसी को बुला लें। हाँ हाँ, जमा करो, लाओ भाई लो। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, लाओ बेबी तुम भी दो। ध्यान से, पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या बात है भाई। देखे तो डीपी कैसी लगाई है आपने। ओहो, और साहब जी मैं बस अभी गया और पांच मिनट वापस आया। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सर हमारी कोई पर्सनल चीजें होंगी। ये बीजान सब घर वाले भाड़ में जाए, एक दिन लड़ मर के ना खुद ही सेट हो जाए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं भाई। इनका पास चले तलवारें निकाल के एक दूसरे की गर्दने उड़ा दे। हाँ तो सारा कसूर इनकी बीवियों का है, इनकी बीवियों ने मत मारी है सबकी। अब देखे ना छन्नो के आगे जमशेद जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता। कितना शौक था जहांगीर को, कितनी ख्वाहिश थी कि सब इकट्ठे रहेंगे, मगर अब देखो किचन पे लड़ाई हो रही है इनकी। हद है। अच्छा ही हुआ ये दिन देखने से पहले खालू चले गए। ठीक कह रही हो तुम, मेरा तो दिल फट जा रहा है, काश ये दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे भी उठा लेता। आगा जी आइए बैठे। आगा जी आप ही कुछ समझाए ना, रो रो के बुरा हाल कर लिया मुमताज खाले ने। अरे रोए मेरे दुश्मन, मुझे क्या हुआ, ठीक ठाक तो हूँ। बिल्लो तुम भी बस हद ही करती हो ना। अरबेला तुम दो प्याली चाय तो भिजवा। अच्छा जी, नईमा के बर्तनों में या फिर शाहाना के। इतनी फिक्र मत करो मुमताज बेगम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे कब्र में जाने के बाद। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है। वैसे बुरा मत मनाना शाहजहां, तुमने आकर शह दिए ना, वरना मेरी औलाद की मजाल नहीं थी कि आंख उठा के मेरे सामने बात भी करे। अच्छा ठीक, मैं सारे मामले को सेट भी कर दूंगा। वो वक्त है जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, सेट कर दूंगा। तुम वाकई रो रही थी। देख लिए अपनी भाई और भाभी की औकात। अफसोस तो मुझे जमशेद भाई की बातों का है, ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैंने कारोबार को कभी वक्त ही नहीं दिया। सांजे की हांडी हमेशा बीच चौराहे में फूटती है। ऐसे ही फूटती है, बराबर का हिस्सा है मेरा, फूटती है। तुसी मेरी गल मनो, शरीका शरीका ही होंदा जे पावे अपनी खल दी जुत्ती बना के पवा दे उन्होंने। अपने मुंह से निवाले निकाल निकाल के खिलाए नजाकत को जो आज बड़बड़ के बातें कर रहा है। सारी अगना नीमा मीसनी ने लाई है, नजाकत को ना अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मनो तुम मानो ना मानो, ये सारा दंगल ना शाहना भाभी ने लगाया है ताकि हम दोनों भाइयों की अलहदगी हो जाए। तो जमशेद भाई को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। क्या बात करते हो तुम, अगर भाई में इतनी अकल होती तो बीवी को मनाने के लिए बीमारी का झूठा ड्रामा करते। मुंह जोर बीवियां ना इसी तरह अपने शौहरों का दिमाग खराब करती हैं। छोड़ो तुम उनको मोना लगना, अब हमें अपनी बच्ची का सोचना चाहिए बस। बच्ची से याद आया जिया कहाँ है, अभी तक घर नहीं आई, शाम के 8 बज रहे हैं। यहाँ खड़ी मेरी क्लास जो ले रही हो तुम उसको फोन करो, कहाँ है वो।
नंबर मिलाना क्या बुत बन के बैठ गई, पता कर सल्लू का। नंबर बन जा रहा है, फोन भी बन जा रहा है, कितने चला गया सल्लू, वो भी परेशानी हो रही है मैनू। शेरी बेटा। जी पापा। वो ना अब तुम जरा हुमा के घर चले जाओ ना। क्यों, खैरियत? वो जिया ना उसका फोन बंद है और वो उसके घर गई है शाम से। अन्नी पाई हो गिटक जे कुड़ी ने, बंदा कदी टिक के कार ही बह जाता है। देखे भाभी मैं आपसे बात नहीं करी, आप बीच में मत बोले, और मेरी बेटी के लिए खामखा ना उल्टे सीधे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। क्यों, मिनिस्टर लगी हुई है? नहीं मां पप्पू, आप हुमा के नंबर पे कॉल करके देखें। वो फोन नहीं उठा रही, दोनों किसी कोने में बैठ के गप्पे मार रही होंगी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज। आए बेटा तू आया तो कोई मनहूस खबर लाया होगा, बता। खबर तो मनहूस ही हैगी। आए हुन केड़ा नवा कट्टा खुल गया जे। ओ वो ना सनी भैया जी, आप देखो पुलिस लेके चली गई है। क्या? ये तो नवा कट्टा खुल गया। बकवास बंद करो, सही से बताओ हुआ क्या। बाय गॉड मी, बाय पुलिस कांस्टेबल आया मैं। मैंने उनके मोबाइल में खुद जिया पे और सनी भैया की पिक्चर देखी है। नहीं, वो जिया नहीं हो सकती, मेरी बेटी नहीं हो सकती। शेरी तुम जाके देखो, इसको तो वैसे कुछ नजर नहीं आता। जी पापा मैं जाता हूँ। ए बेड़ा तर जाए, बेड़ा तर जाए पुलिस आंदा। किंजा पुत्र तू मेरे लिए ग्लूकोज का ग्लास बना के लेकर आया है, दुश्मनों की नजर लगी। ये जरूर इसकी कुड़ी ने ना कोई नवा कारनामा किया है। भाभी बस कर दे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया होगा, आपके मुस्टंडे बेटे ने कुछ किया जो पुलिस आई है। कर दे तू, एडी तेरी कुड़ी मजूम आए, पुलिस आने से हाथ पर है मेरे कलेजे ते, सत्यानाश होए बेड़ा तर जाए कख ना रवे। तेरी कुड़ी ने किया है कारनामा है मेरा मजूम मुंडा। चलो चलो चलो, इनका ड्रामा तो शुरू हो गया। वो किंजा ले आ ग्लूकोस। बड़ा बड़ा बातें करता था, अभी खुद ही गायब हो गया। बड़ा आया आगा साहब। मैंने खुद मना किया था जलाल भाई, मेहमान है, कहाँ ख्वार होंगे। हमारी औलाद ने हमें कम ख्वार कर रखा। मेरी औलाद ने तो कसम खाई है जलील करवाने की। अगर पुलिस ने पकड़ा है तो जरूर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। लेकिन जिया तो अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो क्या पुलिस ने उसकी सहेली के घर छापा मारा था? जलाल भाई आप तो चुप कर जाएं, क्यों मेरी तबीयत ज्यादा खराब कर रहे हैं आप। ओ भाई जान, हमने कौन सा ऐसा बात कर दिया जो आपकी नाजुक तबीयत पर गरा गुजरा। भाई जान आखिर हम इस घर का इकलौता दामाद हूँ, हमारा भी कोई बिलो है। ठीक कह रहे जलाल भाई, ये मौका ऐसी बातों का नहीं है, मेरा ख्याल है आप चुप ही रहे तो बेहतर है। अच्छा तुम तो ऐसा करो, हमारे मुंह पे टेप लगा दो, या अल्लाह से दुआ करो कि हम गूंगा हो जाए। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, हमको हक बात करने से कोई नहीं रोक सकता। खौफ करें जलाल भाई, आप तो हर बात का उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारा सीधा बात भी तुमको उल्टा लगेगा। हम सब समझता हूँ तुम कौन सा बुक्स निकालता है। जमशेद भाई जल्दी चलाएं, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये और इसका तबीयत। आप लोग तो अच्छे खासे मौजिज शहरी लग रहे हैं इस शहर में। हाँ? बच्चे किस पे चले गए आपके? तनिदार साहब आप ये बताओ मसला क्या है। पहले तो आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती कार्ड? ओ मेरा मतलब है किसका बरकरदार है ये? जी मेरा बेटा है, क्या किया उसने? मजरू किया है जी, एहतराम मजरू किया है इन्होंने रमजान उल मुबारक का। इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे, वो भी उस नामेरम लड़की के साथ। रंगे हाथों पकड़ाए जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। रमजान उल मुबारक का महीने में वो तो बड़ा बेअजाई का बात है। पप्पा आप तो चुप करें, अब्बा बताएं ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो के दो चार दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। ओ जी अंदर खाते ये कौन सी फिल्म चल रही है, और ये कौन सा निकाह है जो सड़कों पर गाना गा गा कर खत्म किया जा रहा है? ये कौन सा गाना गा रहे थे बता दो जरा। ओ साहब जी वो है ना, हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू
तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू, तू मेरी जानू। हाँ, ये गाना गा रहे थे बच्चे, कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। भाईजान आपकी तारीफ। जी बहन वही है, हमारे पेशावर से आए हैं। साहब आप मुझे जानते, मैं कौन हूँ? जी जी नहीं, मैं बीमार हूँ जी। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा सारा आप पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे? ओ ये बच्चे। देखिए अब आप ऐसा करें ना कि मामले को खत्म करें। खत्म करें तो शुक्र करें मैंने लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहश हरकतें कर रहे थे ये लोग। मैं बता देता हूँ पहले। अब्बा जी हमें अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और शुक्र करके तुझे हवालात में नहीं डाला, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा लहक लहक के मोटरसाइकिल चला रहा था हैं? अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखें इतनी मेहरबानी करें कि अब बस अब जाने दे बच्चों को, जाने दे। देखें जी सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, पर कुछ तमीज सिखाए इन्हें हैं? सड़कों पे इस तरह बाइक चलानी है तो सर्कस ज्वाइन कराएं। सही कह रहे हैं, तो हम जाएं? जाएं जाएं। चलो भाई चलो सर, तुम मोटरसाइकिल पे आओ। जी बेटा जाओ, गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलो, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चाय पानी लेके आना। तुम गई घुमा के और बरामद हो गया थाने में से, कुछ खुदा का खौफ करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। कि असल बीच में कहाँ से आया? अब्बा मैंने ना उसे वापस घर आने के लिए बुलाया था। अरसल ने पूरे शहर में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रखी है, या स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आया? नहीं लेकिन अब्बा कैसी बातें कर रहे, मैं पहले भी तो उसी के साथ आती जाती थी ना। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहते तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ। मैं क्या? हाँ समझ गया ना। बगैरत। और अहमदा तुम मुझे अफसल के साथ नजर आई ना जिया, तो नजाकत से बता दे मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? जाओ वहां से, पूछो तबाह हो जाओ। क्यों डांटा था? फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? हीरोइन साहिबा रुलते गए सी, लेकिन चस बड़ा आया सी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था, वरना उस थानेदार ने तो तुम्हें पूरी रात अवलाद में रखना था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। अच्छा सच सच बताओ ना, ताई जी ने क्या कहा तुम्हें?
अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। और उधर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। सच्ची बताऊं मुझे तो लग रहा है अब घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा। सर मैंने आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आ जाना। Hasta la vista, baby. जिया जल्दी से बाहर एक बात करनी है। यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो जल्दी। बहुत जल्दी करते हो, आराम सुकून से बैठो। जल्दी जल्दी कम एक तो फंस गए। बताओ क्या हुआ? सर सच बताएं, पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको? चर्स पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? इसे पकड़ लिया बिना वजह उस छिलड़ने में, और एक तुम हो ऊट पटांग सवाल पूछी जा रही हो। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती यार, रात का वक्त था, और वैसे भी मैं ही उसको लेके आता जाता हूँ ना, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तुम दोनों हो किन चक्करों में, मुझे साफ साफ बता दो आज। क्या हो गया शेरी? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं तुम्हारा पैचअप तो नहीं हो गया? आई मीन कहीं तुम दोनों ने। ओह अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं है। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? तुम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। आपको फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। Really? लेकिन ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, पहले ही बता दूं। तो हम गाड़ी में चल लेंगे। ये ठीक है, ठीक है, कूल, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके बाय। क्या क्या कहा तुमने? ना क्या डोरे हो गए हैं? मैंने नीमा के सामने कसम खाई थी कि उसी दिन अपने पुत्र की जांच लेके इस घर से निकलूंगी। लो भैया बारात आ गई है और दुल्हन का तो पता ही नहीं। हाँ लड़की भी तैयार ही समझो। कौन? किंजा अपनी होर कौन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना दिमाग खराब वाली क्या बात है, और इसमें हरज ही क्या है? जब कह दिया कि जिया से अपने पुत्र का विवाह नहीं करना तो नहीं करना। वो मुनासिब नहीं लगेगा, बीजान कभी नहीं मानेगी। आए है बीजानू, तुसी मेरे ते छाड़ते हो। अब वो मासूमा वो मानेगी? तुसी मान जाओ, दुनिया नू मैं आपे मना लवांगी। तो फिर देख लो जो मुनासिब लगे कर लो, वरना एक दफा नजाकत से बात करके देख लेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने नहीं करनी उससे बात। ना मुझे एक बात बताएं, बंदा अपना थूका वा कभी चाटता है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मिसालें तो ढंग की दे दिया करो। जा रहा हूं मैं। तौबा है। हाय मैं केड़ी टेढ़ी मिसाल देती है। जलाल जी जरा सच सच देख कर बताए, बाहर जाने के कितने सफर है मेरे हाथ में। Going, coming, going, coming, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बिल्लो, बिल्लो, मेरी बात सुनना एक मिनट। पहले अपनी बेगम से परमिशन लेटर लेके आई, उसके बाद आपकी बात भी सुन ली। कहीं ऐसा ना हो अगली बार 10 दिन के लिए अस्पताल जाना पड़े। अरे बिल्लो जी छोड़ो इन फजूल बातों को। वही 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 देखो शादी का लाइन बन रहा है आपका, अनकरीब शादी होने वाला है। अच्छा वाकई?
फिर जल्दी से देख के बताएं कि मेरे शोहर के नाम का पहला हर्फ अंग्रेजी में क्या होगा। अंग्रेजी? अच्छा जी जी, बनते बनते टूट गया। अभी हम देखते हैं ये लाइन सीधा बना इधर गया। ये मुबारक शाह, मुबारक शाह जी बन रहे जी। बिलो तुम मेरी बात सुन रही हो? और वो शोर आपको इतना मजे में रखेगा कि आपका सोच है अलहदा कर लेके देगा, आपका बड़ा खिदमत करेगा, आपको फूलों की तरह रखेगा। अच्छा बताए ना मेरे बच्चे कितने होंगे? बच्चे उवा दुआ त्रे सलोर पिंजोर पिंजोर, पांच बच्चे होगा। वो रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो पीछे राघा जी ने मना किया था, कह रहे थे आप परेशान हो जाएंगे। एक तो इस चौधरी की चौधराहट से मैं बहुत तंग आ गई। एक हजब खुदा का, मेरे बच्चे थाने में थे और मैं यहाँ मजे से सो रही। मुझे तो लगता है जिया जान जान के उस अरसल पर कहानियां डालती है। है तो कौन सी बुरी बात कर दी उसने, उसका शौहर है, हक है उसका, तुम्हें क्या तकलीफ है। अच्छा मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, आप नाराज ही हो गई हैं। है शाहाना, ये तुम क्या रोजा रख के मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए लिए फिर रही हो, क्यों? हाय अल्लाह बीजान, क्या हो गया है? पुत्र का रिश्ता मांगने के लिए अभी तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती, मिठाई का क्या, जब रोजा खुलेगा तो सब खा लेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही पुत्र है और खैर से उसका निकाह हो चुका है। हाय बीजान, वो घेर तो समझे कि खत्म हो गया, एक दो दिन तक, बल्कि एक दो दिन क्या समझे, खत्म ही है। क्या तुम किसका रिश्ता मांगने आई हो? हाय मसूमा, मैं तेरे धर पे ना अपनी झोली फुलाने के लिए आई हूँ। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे। क्या? बड़ी मिठाइयाँ सिठाइयाँ बट रही हैं घर में, कोई बहुत ही खुशी की खबर लग रही। यहाँ बेगैरतियाँ बट रही हैं और वो भी दिन दहाड़े। हाय बीजान, क्या हो गया? ऐसा कौन सा मैंने तोप का गोला मार दिया किसी को? अरे मेरी पोती का घर बर्बाद करके तुम मेरी नवासी का घर बताना चाह रही हो और पूछ रही हो कि कौन सा तोप का गोला मारा है मैंने? बीजान जरा थोड़ा सा तहमल से बात करे ना। अच्छा तुम तो चुप रहो। अरे हद हो गई, यानी कि मेरी जिया का घर बर्बाद करके तुम्हारी बेटी किंजा का घर बसाया जा रहा है और तुम कह रही हो कि तहमल से बात करे। छोटा दिमाग। और तुम्हारी ये जो इतनी गजबर की लंबी जबान है ना, ये मैंने काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देनी। ज्यादा बातें ना करो मेरे साथ। क्यों, किसी कसाई के साथ पार्टनरशिप चल रही है क्या? फाला आप ही किन लोगों की बातों में आ रही है, मैं तो कहती हूँ इन सबको ना इग्नोर किया करे। हाँ ये जो कह रही है ना वही करे। तू बता मुझे रिश्ता मंजूर है कि नहीं, हाँ या ना? शाना वो इस मौजू पे किसी और वक्त बात कर सकते हैं। नहीं क्यों, और वक्त क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी बात करो तुम और इसको साफ इनकार कर दो। शाना तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ। क्या हो रहा है, कुछ पता तो चले। क्या वाकई शाहाना उमानी ने मेरे प्रपोजल की बात की है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बीजान तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मान रही। बीजान को छोड़ो, पापा से बात करें ना। ओहो तुम्हारे अब्बा को तो मैंने मना लिया था, तो फिर क्या टेंशन है? मुझे नहीं लगता बीजान इस रिश्ते को इतनी आसानी से होने देंगी। क्यों, उन्होंने जीआरएसएल के वक्त पूछा था आपसे? नहीं। तो फिर आप क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हर इंसान का हक बनता है कि वो अपनी औलाद के बारे में सोचे। मैं बात करती हूँ। क्या कुछ करना पड़ा, खुद पागल करती है। खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो, कोई देख लेगा? अरे नहीं कोई नहीं देखता, वैसे ही बीजान के कमरे में दंगल मचा हुआ है। चलो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होगा। हाँ वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं, अम्मा को ये लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना।
अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ, छोड़ो। ना करो, हमारी माओ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगी मेरे। कुछ नहीं होता, वैसे भी तुमने कौन सा पहले भी। हेलो, असल दरवाजा तो खोल दिया, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, बाहर खोल रहे हैं। भाई असल क्या कर रहा है, अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूं। क्या हो गया, दरवाजा तोड़ना तुमने? भाई नहीं, दरवाजा नहीं मैंने तोड़ना, तू दरवाजे को छोड़। है तू क्या कर रहा था वैसे, तेरी जो वो बी जान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है, उनका वास चले ना, तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। हुआ क्या माँ? ना होना क्या है, मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी किंजा के लिए। मेरा किंजा के लिए? हाँ, क्या ये कर रहा है? ओ मम्मा, क्या उड़ा रहा हूँ ना, किंजा में क्या खराबी है, उस जिया चाम चढ़ी से तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो। है शुक्र कर जिया से जो है ना जान छुट्टी हमारी, मगरो लथी वो है ना, मुंह ना मथा जिन पाड़ो लथा। अम्मा अभी इतनी जल्दी भी क्या करने की, ठहर जा थोड़ी देर ना। तो क्यों फिर तूने थाने जाना है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, सलू कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे घोटे फाड़ देने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को छोड़। मैंने, तूने पप्पू से बात कर ली? हाय, मैं मुसुमा से ही तो बात करने जा रही थी, तूने चक या मुझे याद करा दिया। वो ही जाके बी जान को कोई अक्ल मत दे, हैं ऐसी फसूली डाल के बैठ गई हैं। हाँ, आप जाओ पप्पू से तो बात करो। धक्के क्यों दे रहा है मुझे? मम्मा दरवाजा तो बंद करी। नहीं नहीं पागल तो नहीं होगी तुम? पागल होगे तुम? कुत्ता मिलो, कुत्ता। आप माने या ना माने खाला जान, उस छन्नो ने साजिश किया आपके बच्चों को आपस में दुश्मन बनाने की। छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं उसे। अब क्या फायदा, भाइयों को तो लड़वा दिया ना उसने आपस में, इसी तरह अरसल की शादी करवा देगी कंजा के साथ। तुम देखना, लाशें गिरेंगी यहाँ, लाशें। लो लाशों का क्या है खाला जान, तदफीन के बाद निकाह पढ़ा देंगे नए जोड़े का। शांति नहीं है क्या आप अपनी बहू छन्नो को? हर वो मुमताज बेगम को नहीं जानती, मैं कुछ करने पर आई ना इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी। फिलहाल तो आपकी बहू ने बुनियादें हिला के रखी है इस घर की, अभी भी देख लिएगा मासूमा आपा के साथ शादी के प्रोग्राम बना रही होगी। पीजन, मैंने आपकी दवाइयां तायबू ने दी। अच्छा बेटा, थैंक यू। सुन इधर, ओम तुम्हारी ताई अम्मी क्या कर रही हैं भला? वो तो मासूमा पापा के कमरे में मीटिंग कर रही हैं। अच्छा, तो बेटा ऐसा करके अपनी फूफो के कमरे में जाओ और वहां जो भी बातें हो रही है ना वो बस रिकॉर्ड करके ले आओ। मैं? हाँ पिजन, कल आपने इसी बात पर मुझे मारा था। अरे बेटा वो तो कल की बात थी ना, पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई, अब आज तो नई बात है। क्या शाबाश, मुझे तू वीडियो वीडियो बनाता है ना, वो करके ले आ, मुझे दिखा देना। देखिए पिजन, रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। क्या मतलब बिजनेस? पेमेंट अपनी पूरी लूंगा और रिपोर्टिंग का काम अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, यू नो। अच्छा बेटा, पूरी फीस ले लेना, मगर अब जाइए और जाके वीडियो बना के लाओ। जा शाबाश, जा 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 जा, जा शाबाश। बोलो आंटी, ताया बुला रहा। यकीनन उस छन्नो ने फिर कोई तीली लगाई होगी। अब अच्छी तरह चार बातें सुना कर आना जमशेद को। थाने के तौबा तौबा।
माँ वो महज एक गलत फहमी थी। जिया इस वक्त जो मेरी नजरें देख रही है ना वो गलत फहमी नहीं है और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ तुम सुधर जाओ समझी तुम सुधर जाओ। अम्मा आपको पता है कि इसी घर में आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? इस सब जो मेरी नजरों के सामने हो रहा है ना मैं वो देख रही हूँ और वो ये है कि तुम उस निकट्टू अरसल के आगे पीछे फिर रही हो और तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। उसी निकट्टू की ना शादी हो रही है किंजा से, रिश्ता तय किया जा रहा है। हैं? तुम्हें किसने बताया? ये लो वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है, जाए जाके बीजान के कमरे में देख लो खुद। मेरी बला से रिश्ता करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने आप को सुधार लो। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ जिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अरसल से तुम दूर रहो। माँ क्या हो गया है, एक ही घर में तो रहते हैं, अब बताएं आमना सामना तो होगा ना। बुर्का पहन लो क्या? बुर्का मत पहनो, अपना मुंह तो बंद रख सकती हो ना। जैसे ये रिश्ता खत्म हो तुम्हारा मैं रिश्ता कहीं और करूंगी। मेरा रिश्ता? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखो तुम्हें? घर नहीं बसाना तुम्हारा। इसे क्यों देख रहे हैं? जा रही हूं। और सुनो सारे बर्तन धो के किचन में। जी अम्मा। किया